What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 21 जनवरी 2021, थर्सडे है, सुबह के 8:29 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, काफ़ी वोलेटाइल मूव देखने को मिल सकता है। हमने देखा था डेली चार्ट में पिवट बार रिवर्सल पैटर्न बना है और उसके बाद कल ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की बढ़त फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। अभी क्या निफ्टी इंडेक्स नए हाई क्रिएट करेगा? कल हाई क्रिएट किया लेकिन जो लाइफ टाइम हाई था उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स होंगे, बैंक निफ्टी में भी क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। यह है कल का सिनेरियो, यानी 20 जान आफ्टर मार्केट आर्स, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,548 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,471। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स जस्ट ब्रेकआउट लेवल के नीचे ओपन हुआ और दूसरे 5 मिनट के कैंडल में ही इसने ये जो सेकंड टारगेट है 14,588 ये अचीव कर लिया और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ से जैसे ही टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ आया तो 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करके ये फिर से बाउंस बैक हुआ और फर्स्ट टारगेट 14,568 और सेकेंड टारगेट 14,582 ये दोनों भी यहाँ पर अचीव हुए। काफ़ी देर इस लेवल को पेनेट्रेट करता रहा और जैसे ही सेकेंड टारगेट को भी इसने कंफर्टेबली ब्रेक कर दिया, सस्टेन किया इसके ऊपर और भी तेजी से निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ा। तो डेली चार्ट में हमने देखा था पिवट बार रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है और उसके बाद यहाँ से ज़बरदस्त और 100 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक 260 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। अमेरिका में नई सरकार आ चुकी है तो उसके मद्देनज़र वहाँ पर भी नए हाइज देखने को मिल सकते हैं। यूरोपियन मार्केट्स देखें तो मिला जुला कारोबार वहाँ पर देखने को मिल रहा है लास्ट 3 मंथ से। एशियाई बाजार देखें तो SGX निफ्टी 45 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। जापानीज इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखें तो 42 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय चल रहा है और ये जो बोरिंग कैंडल बनाया था 8 जनवरी को इसी के हाई और लो के बीच में ये अब तक चल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर US मार्केट में भी हमें नए हाईस क्रिएट होते हुए दिखाई दे, ये अपवर्ड ब्रेकआउट देने के भी एक कगार पर इस समय देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली या डेली चार्ट से शुरू करेंगे। ये डेली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। कल हमने देखा था ये जो पैटर्न है इसे कहते हैं पिवट बार रिवर्सल पैटर्न। इसके बाद कल 100 पॉइंट्स का अप मूव हमें देखने को मिला। ये जो कैंडल बनता है प्रीवियस डाउन ट्रेंड के बाद प्रीवियस कैंडल जो होता है रेड कैंडल उसका हाई लो और क्लोज के ऊपर ये इस कैंडल का हाई लो और क्लोज होता है और प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होता है। तो ऐसा जब पैटर्न बनता है तो अभी हमें राइज एक्शन में एक अपसाइड मूव देखने को मिलती है। हमने पास्ट में भी देखा था जब ऐसा पैटर्न बनता है तब क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न, ये एक, ये दो, ये तीन और भी कई सारे होंगे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप कैसे अपसाइड मूव आता है। तो अभी यहाँ पर भी कल हमें 100 पॉइंट्स का एक अप मूव देखने को मिला। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है और निफ्टी जो लाइफ टाइम हाई कल इसने बनाया तो उसी के ऊपर ये क्लो सस्टेन नहीं हो पाया। जो लास्ट टाइम इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, उसके नीचे आके क्लोज हुआ है। तो 14,650 के पास एक हर्डल है, उसको अगर पार कर देता है, सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में तो और तेज़ी देखने को मिल सकती है। और एक छोटा सा निगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर कुछ RSI डाइवर्जेंस देखने को मिल सकते हैं। अभी आप अगर प्राइस एक्शन को कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे प्राइस एक्शन में हायर हाइज बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर, और ये अभी कल भी इसने नया हाई क्रिएट किया। लेकिन जब प्राइस एक्शन में हायर हाइज बनते हैं तभी RSI देखिए यहाँ पर हायर हाइज बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कल इसने नया हायर हाइज बनाया लेकिन RSI वो फेल हो चुका है। RSI ने
हायर हाई नहीं बना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बुल्स का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। तो अगर आर्ली चार्ट में सस्टेन करे कंफर्टेबली तो ही इंट्राडे के लिए और लॉन्ग पोजीशन हम यहाँ से बना सकते हैं। तो ये है डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इसे मैं 60 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये 60 मिनट का चार्ट अभी देखें तो निफ्टी इंडेक्स कल के हाई के ऊपर, हो सकता है गैप अप ओपन भी हमें यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन अगर गैप अप ओपन नहीं होता है तो 14,665 ये जो कल का हाई है ऑलमोस्ट उस लेवल के ऊपर, राउंड फिगर कर देते हैं 14,670 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,684, एक छोटा सा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 14,700, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन होता है, एक्सट्रीम गैप अप ओपन, और सेकंड टारगेट के ऊपर सस्टेन करता है अर्ली चार्ट में, तभी इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज जब ये फिर से घूम के नीचे आएगा और ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करेगा तभी पोजीशन बनाना फायदेमंद साबित होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो पीवट पॉइंट का ये जो लेवल है आप देख सकते हैं, पास्ट में यहाँ पर इसने एक स्विंग हाई बनाया, रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे आया है, तो हो सकता है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का काम करता है पास्ट में आगे जाके सपोर्ट का काम करे। तो इस लेवल को जब ये ब्रेक करेगा पीवट पॉइंट को, यानी 14,608 के नीचे सस्टेन करेगा, तभी इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,594, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 14,576, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स। एक बार बैंक निफ्टी में देख लेते हैं आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है। डेली चार्ट को पहले देखते हैं। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें चार्ट को तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखने को मिलता है। काफ़ी कम टाइम होता है जब भी ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट में देखने को मिलता है, अदरवाइज काफ़ी सिमिलर होता है, 90-80% सिमिलर चार्ट होता है। तो अगर हम निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं तो आप खुद निफ्टी बैंक के चार्ट को उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये डेली चार्ट का निफ्टी बैंक का चार्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट पीवट बार रिवर्सल नहीं बना है, क्योंकि ये जो बैंक निफ्टी में जो ये पैटर्न बना है रेड कैंडल का, ये जो हाई है इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल का हाई क्लोज नहीं बना है, यानी ब्रेक नहीं किया इस हाई को, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हुआ है नेक्स्ट डे का कैंडल, तो हो सकता है यहाँ पर हर्डल देखने को मिले। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें, ये स्विंग, ये लो, ये हाई को पकड़ के, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट कल 50% के लेवल के पास आके ये क्लोज हुआ है। तो अगर कल के हाई के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हमें नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी में 61.8% यानी 32,757 के आसपास बैंक निफ्टी में लेवल्स आते हुए नज़र आ सकते हैं। पहले हर्डल है और लाइफ टाइम हाई का ये जो लेवल है यहाँ पर हर्डल हो सकता है, इसको अगर पार करता है तो हमें 32,750 के लेवल यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। चलते 60 मिनट के चार्ट में आज के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो हाई यहाँ पर है उसी के पास आज पीवट पॉइंट का R1 का भी लेवल आ रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हर्डल है, पास्ट में यहाँ पर दो बार फेल हो चुका है ये देखिए यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पर तीसरी बार भी फेल होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पर ये ब्रेक करता है इस लेवल को, 32,659 को ब्रेक करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 32,710, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 32,750, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये पीवट पॉइंट का ये जो लेवल है कल आप देख सकते हैं इस लेवल के नीचे आर्ली चार्ट में ये क्लोज नहीं हो पा रहा था, तो ये जस्ट ये जो लेवल है लोएस्ट लेवल आर्ली चार्ट में क्लोजिंग का, यानी 32,482 इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 32,444, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 32,400, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा।
तो ये है आज के लिए निफ्टी के और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।